वेलकम दोस्तों, और चैनल में स्वागत दोस्त। हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, 31 अक्टूबर 2022 को, सिविल का कैसा पेपर था दोस्त, यानी कि पेपर टू की बात करेंगे। तो पेपर मैं दिखाना चाहूँगा, तो भाई पेपर स्टार्ट करता हूँ दिखाना थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन फ्लैकिनेस इलॉन्गिनेशन से था, यानी कि इसमें जो 0.6 वाला लगता है उससे निकाल देना है। देखते जाइए, आप लगे तो रोक कर देख सकते हैं क्वेश्चन को, मैं स्लाइड कर दूँ, साथ में म्यूजिक चलता रहे दोस्त। देखते जाओ दोस्त, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए थे इसमें। सीजी के बहुत सारे सवाल पूछ रखे थे, और कंप्रेशन नंबर से भी लगभग 10 सवाल थे, इफेक्टिव लेंथ वाले लगभग 5 सवाल थे। ये देख सकते हो, तुम खुद ही देख सकते हो ये सब भाई। ये देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफेक्टिव लेंथ, यूलर्स फार्मूला, लगभग 20 क्वेश्चन थे इनसे। और यहाँ पे कांड हो गया था दोस्त, क्या बात किया उन लोगों ने। हम लोग याद करते हैं नॉर्मल रेसिडेंशियल लेवल के लिए, अर्बन के लिए, सब अर्बन के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ और ही पूछ दिया था। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन जिसमें मेरा कांड हो गया, गलत हो गया दोस्त, गुस्सा आया, तो फिर हमने अटेम्प्ट कर दिया। मैं लगा कितना छोड़ूं। देख सकते दोस्त, ये फिर से मोमेंट ऑफ एरिया और इनर्शिया पर बहुत सारे सवाल थे। ये तो भाई मैं STM भाई, आपका भाई दोस्त। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और सपोर्ट कर सके तो लाइक भी कर दो वीडियो को। और कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का। मेरा जो इसमें मार्क्स था भाई वो 252 था, ये कम मार्क्स है दोस्त। मेरा पेपर 1 में था, 230 के आसपास में है, दोनों जगह का 482 आता है दोस्त। तो ज़्यादा नहीं इसमें स्कोर किया जा सकता था, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 31 का पेपर टफ था, ऐसा नहीं था।